दोस्तों नमस्कार। आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं पैनल पर फोटो आई है प्लास्टिक गोबलेट की, यानी कि मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस आज पूरी की पूरी समझाने वाला हूं। तो देखिए, जो भी भाई एआई वर्कर हैं, चाहे वो कोई भी हैं, अगर एआई वर्कर हैं और अगर वो गोबलेट के बारे में नहीं जानते हैं, इसका मतलब फेल, मामला कंप्लीटली फेल। तो प्लीज आप अपने आप को तैयार कीजिए, और गोबलेट अगर आपके एआई जार यानी लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो में पूरी जानकारी उस पर दी थी, तो वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं यानी एआई वर्कर हैं, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्लास्टिक गोबलेट का। देखिए, प्लास्टिक गोबलेट एक्चुअली है क्या, बहुत ही सस्ती चीज़ है, आपको फ्री में मिलेगी। जहां से भी आप सीमन ले रहे हैं उनसे आप एक ही निवेदन करेंगे, मुझे सीमन प्लास्टिक गोबलेट में चाहिए। मैं कहीं पर भी LN2 में गिन के नहीं लूंगा और ना मैं ऐसे गिन के लूंगा, मुझे गोबलेट चाहिए पूरा का पूरा। ये गोबलेट अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, 25 का मिलेगा, 50 का मिलेगा, 100 का मिलेगा, 200 का मिलेगा, यानी अलग अलग, 75 का भी आता है, 75 का भी, यानी अलग अलग आपको जितने चाहिए वो गोबलेट में मिलेंगे। तो आप जब भी, जैसे मान लीजिए छोटे वर्कर हैं तो आप 25 का ले लीजिए लेकिन गोबलेट लीजिए, अगर आप अच्छा वर्क करते हैं तो 75 वाला बहुत अच्छा रहता है, 75 का लीजिए, लेकिन गोबलेट के अंदर आपको सीमन स्ट्रो लेनी है, नंबर वन बात यही, और फिर इसी के अंदर रखनी है। कहीं पर भी आप कभी भी अपनी सीमन स्ट्रो जो आपके AI जार में है, AI कंटेनर में है, क्रायोकैन में है, क्रायोसील में है, उसे कभी भी आप बगैर गोबलेट के नहीं रखेंगे। क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि जब भी हम रिफिल करवाते हैं LN2, यानी अपने AI जार में LN2 को रिफिल करवाते हैं, भरवाते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि LN2 का जो स्तर है वो आधे से नीचे चला जाता है, जबकि इस गोबलेट में वो स्तर पूरा का पूरा बना रहता है, और स्ट्रो वही सुरक्षित रहेगी जिसमें ये स्तर कंप्लीटली पूरा का पूरा भरा हुआ है। अगर गोबलेट भरा हुआ नहीं है, आप जब भी स्ट्रो निकालते हैं तो उस समय जो आप अंदर देखते हैं, तो गौर से, ज्यादा बाहर तो निकालना ही नहीं है, गौर से आप अंदर देख करके यहीं से पता कर ले कि LN2 कितनी है। जब ये पूरा भरा हुआ है इट मींस LN2 है, लेकिन ये थोड़ा सा भी नीचे चला गया इसमें स्तर, तो फिर LN2 कम है और आपको तुरंत रिफिल करवाना चाहिए, अदरवाइज वो स्ट्रो जो इसके अंदर है वो खराब हो जाएगी। ये विशेष ध्यान आप रखेंगे जब भी हम जार को भरवाते हैं। जार में जो आपने देखा होगा क्रायोकैन जो जार होते हैं उसमें गोबलेट जिसके अंदर डालते हैं उसे हम कैनिस्टर बोलते हैं, कैनिस्टर जिसके अंदर गोबलेट को डाला जाता है। तो जो कैनिस्टर होते हैं वो कैनिस्टर स्टेनलेस स्टील के होते हैं, आप सभी उनके बारे में जानते हैं, और आप कहेंगे तो कैनिस्टर के बारे में भी एक अच्छा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो कैनिस्टर जो होते हैं स्टेनलेस स्टील के होते हैं, और उन कैनिस्टर में डायरेक्ट अगर स्ट्रो डालेगी तो उस कैनिस्टर के आप निकाल करके देखिएगा, नीचे छेद होता है। वो छेद क्यों होता है कि बाहर जो LN2 है, हम भाई उसको बाहर ऊपर करते हैं या उसमें से स्ट्रो निकालते हैं तो उसके अंदर की LN2 कम हो सकती है, इसके लिए उसके नीचे एक छेद दिया हुआ रहता है, जिससे AI जार में यानी जो कंटेनर है, क्रायोसील है, उसके अंदर जो LN2 है वो उस गोबलेट में चली जाए, उसके लिए वो सुविधा रखी गई है। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो जो स्तर LN2 का नीचे जाएगा, जो कैनिस्टर है उसमें धीरे धीरे करके जो जार में LN2 कम होगी तो कैनिस्टर में भी कम होती जाएगी, और जब आप 3 दिन 4 दिन बाद भरवाने के बाद देखते हैं तो जो कैनिस्टर है वो आधा मिलता है, जबकि उस समय आप नोट कीजिएगा गोबलेट आपको पूरा भरा मिलेगा। यानी कि 5 दिन की कैपेसिटी हमारे जार की है, 6 दिन की है या 7 दिन की है, हम कितना यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से जितनी इसकी कैपेसिटी है उतने दिन तक ये गोबलेट जो कि प्लास्टिक गोबलेट पूरा भरा रहेगा, ये विशेष ध्यान दें। अदरवाइज ये अगर पूरा भरा नहीं रहा तो आप मान के चलें जो स्ट्रो पूरी तरीके से LN2 में नहीं है वो स्ट्रो खराब हो रही है, धीरे धीरे उसमें जो स्पर्म है वो डेड हो रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। बगैर गोबलेट आपको कभी भी स्ट्रो को नहीं रखना है, क्योंकि LN2 इसमें पूरी रह सकती है, उसमें नहीं रहेगी अगर आप नहीं रखते हैं। कई भाई कहते हैं कि साहब ये भरा है तो ये भी भरा रहेगा, कहाँ से भरा रहेगा भाई, जब आधा होगा तो ये भी आधा हो जाएगा, आधी स्ट्रो ऊपर आधी स्ट्रो नीचे,
तो गया मामला खराब। तो हमेशा ध्यान दें, गोबलेट के बगैर काम नहीं करना है। और गोबलेट आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए नहीं मिल रहे, अलग से मंगवा रहे हैं, तो 5-10-15-20 रुपए की चीज़ है, कोई मोटी चीज़ नहीं है। तो आप प्लीज़ इसके बगैर आप काम ना करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा।